सो या गाइज, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखना। और एक छोटी सी बात बोला आपको कि अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, अगर किया है तो फिर से नोटिफिकेशन बेल ऑफ करके फिर से ऑन कर लो, क्योंकि यूट्यूब 70% लोगों के पास नोटिफिकेशन मेरे चैनल का नहीं भेज रहा। पता नहीं इसको क्या मेरे से दुश्मनी है, मुझे नहीं पता। तो पहले ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको यहाँ मिलता हूँ KTM सर्विस सेंटर कि क्या कुछ हुआ आज पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाइकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, खासकर जिसके पास KTM है और भी जिसके पास बाइक है। तो देखो और फिर मिलते हैं यहीं पर, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही डिफरेंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल अपने बाइक में कुछ कराना है अपने काम, क्योंकि हमारा एक बोल्ट जो है बहुत पहले से टूटा हुआ था, तो उसको कराना था हमको काम। और मैं सर्विस सेंटर भी लेके गया था, बट वहाँ पे वो बोल्ट नहीं निकलता, तो मैं यहाँ टनर के पास आया और अभी वो बोल्ट निकल चुका है। मैंने लेट ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, ये देखो दिखाता हूँ मैं, ये इधर था, यहाँ से मैंने निकलवा दिया। और मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैंने निकलवाया, क्या प्रोसीजर था उसका, तो उसको देख लो पहले तुम लोग, फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये देखो, ये जो हमारा नट टूटा हुआ था, इसको मैं निकलवा रहा हूँ जुगाड़ से। ये भाई हेल्प कर रहा है, हो जाएगा काम। वाह, चल भाई निकल गया। यार KTM वाले बड़ा कमज़ोर बनाते हैं, हाँ नट, हाँ इतनी महंगी बाइक और इतना कमज़ोर नट। वाह, अरे अब खोल दे भाई, अब क्यों वो क्यों, तो ये देखो, ये करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा आपको, ये बैटरी का वायर आपको निकाल देना पड़ेगा। हाँ, इसे क्या होगा कि इसे क्या होगा, क्या आएगा मालूम है, ये नहीं निकालूगा ना मैं। हाँ, तो वायरिंग का शॉर्ट रहेगा। अच्छा, ये सेंसर रहता है। हाँ अंकल, वो जो निकाले हो कहाँ गया, ऐसा खड़ा करके दिखो। ये देखो, इतना बड़ा टूटा हुआ था। ये बताओ, इतना महंगा बाइक देते हैं और इतना कमज़ोर बोल्ट बनाते हैं इसका। उन लोग को लेटर लिखना चाहिए हम लोग को, है ना अभी। हाँ हाँ, कंपनी वालों को बनाना पड़ेगा ताकि उनका सेल कम हो जाए। बताओ, इतनी महंगी बाइक देते हो, इतना कमज़ोर बना के देते हो, कितना परेशान होता बंदा। तो ये हमारे ये सब खा के निकल गया। हाँ, ये अंकल थे, इन्होंने बहुत हेल्प किया हमारा इसको निकालने में। अंकल ये बता दो प्रोसीजर कि अगर और किसी का टूटे अगर। हाँ, तो बिंदास लेके आ जाओ, तो बिंदास यहाँ अंकल के पास लेके आ जाओ, अंकल निकाल के दे देंगे। अच्छा ये बताओ, ये बाइक में आपने निकालने से पहले बैटरी का वायर निकाल दिया। हाँ, वो क्यों, वो आपका सेंसर उड़ जाएगा। हाँ, सेंसर उड़ जाएगा। और सेम चीज़ मुझे KTM सर्विस सेंटर में भी बताया था कि पहले बैटरी का निकाल देना वायर, नहीं तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाला है। तो अभी मैंने जस्ट आपको वीडियो जो दिखाया उसमें अंकल ने ही निकाला उसको, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मैं KTM सर्विस सेंटर भी जाने वाला हूँ और वहाँ पे मैं लगवाने वाला हूँ इसमें बोल्ट उसका, और भी मुझे कूलेंट और भी बहुत सारी चीज़ें करवानी है तो करवाऊँगा। देखो मैं लूब, चैन ल्यूब और चैन क्लीनिंग मैं घर पर ही भूल गया स्प्रे, तो कोई बात नहीं, पैसे दे के करवाना पड़ेगा वो KTM सर्विस सेंटर में। तो मैं
KTM से बहुत डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड है आपकी यहाँ और इतना कमज़ोर अगर आप बना रहे हो बोल्ट तो क्या फ़ायदा है? हाँ, फ़ायदा क्या है? लगता है आपको ऑफिशियली एक वीडियो बना के भेजना ही पड़ेगा। तो फाइनली हम वहाँ से निकल आए और थैंक यू सो मच, वो जो भाई था एक वो और वो अंकल, दोनों ने हेल्प करके मेरी बाइक का वो जो बोल्ट था वो निकाल दिया। और आप लोग कहेंगे कि भाई ऐसे वैसे दुकान से मत करवाया कर, तो भाई मैं बता दूं कि KTM सर्विस सेंटर गया था बट वहाँ पे नहीं निकला था, उसने खुद ही बोला था कि भाई कहीं बाहर से ही करवा लेना किसी टनर से, तो फिर मेरे को लास्ट ऑप्शन ही चूज़ करना पड़ा, थैंक्स टू दैट अंकल। ब्लॉग में क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, चलो हमको रास्ते में मिल गए हमारे एक सब्सक्राइबर। हम फाइनली आ गए अपने बाइक के फेवरेट जगह पे, इधर लगाओ। तो जस्ट अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने वो बोल्ट कैसे निकाला, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिला हो उससे, और आपके भी अगर बाइक का कभी बोल्ट टूटे तो कैसे निकालना है और क्या करना है तो आपको हेल्प मिल जाए उससे। और जैसा कि आपको पता है कल से मेरी राइड स्टार्ट होने वाली है मुंबई टू दिल्ली, देन दिल्ली टू उत्तराखंड, मतलब मुंबई टू उत्तराखंड है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गया हूँ KTM सर्विस सेंटर। जी हाँ, KTM सर्विस सेंटर, हर एक राइड पे जाने से पहले अपन आते हैं KTM सर्विस सेंटर, क्योंकि अपने बाइक में कूलेंट कम है। और अभी आकिब ने टेस्ट राइड किया तो उसने बताया कि हैंडल थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि एक बार मैं बाइक पार्क में लगा के रखा था, पीछे टेल में कोई बजा के उसको गिरा दिया था, तो हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और अभी आप देख रहे होगे कि नया गॉगल आज फिर से लगा लिया, लास्ट ब्लॉग में नया गॉगल, आज नया ब्लॉग तो करना पड़ता, चलो वो छोड़ो। तो कूलेंट है, ब्रेक है, और वो हाँ बोल्ट फिर से लगवाना है, नहीं तो वो रेडिएटर में जाके लगेगा तो मेरी बैंड बच जाने वाली है। तो यही सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तो होती रहती है प्रॉब्लम्स, वो बोल्ट का था क्योंकि इतना कमज़ोर बनाया है, तो मतलब और भी जो बोल्ट्स हैं वो सारे बोल्ट भी बहुत वीक होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यार KTM प्लीज़ मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट्स कम करो अपने, क्योंकि हम जब KTM लेते हैं ना तो हम यही सोच लेते हैं कि यार क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, अगर क्वालिटी हमें को नहीं अच्छी मिलेगी तो लेके क्या फ़ायदा। और हमसे तो सब पूछते रहते हैं भाई KTM कौन सी बाइक लूँ, ये लूँ वो लूँ। हो गया कूलेंट? चल रहे अभी नहीं कूलेंट, ये देखो कूलेंट हो गया। वाह काफ़ी चिकना दिख रहा हूँ मैं, ये देखो कूलेंट पहले मिनी पे था अभी मैक्स हो गया। और मुंबई है ना वसीम भाई, अरे मुंबई का निकलवा दे गाड़ी बना के भाई, अभी नवी ब्रांड भी बनी है इंश्योरेंस ले, बैठ के रिवर्स ले रहे साइड साइड के साथ में, और गाड़ी गिरी भाई, मिरर टूटा, वाइजर टूटा, रंग फेरी फटका था, गाड़ी बन के नहीं निकली। बाइक का चेन जब भी आपको ड्राई लगने लगे तभी आप चैन क्लीनिंग, चैन ल्यूबिंग कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चला रहे हैं, नहीं तो आप जब भी अपनी सर्विसिंग कराएं तब आप करा सकते हैं। ये देखो, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि कभी करें, कितने टाइम में करें, तो मुझे भी उतना रफ आइडिया था, तो यहाँ से पूछने पे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाता है, क्योंकि ये लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, डेली है, ऑलमोस्ट डेली ही करते हैं, तो इसीलिए। सो अभी जस्ट हमको एक चीज़ और पता चला कि हमारे जो इंजन का जब मैंने हेड चेंज कराया था ना उसके बाद से ही लीकेज स्टार्ट है, तो मैंने सोचा नॉर्मल ऐसे ही कुछ होगा, बट अभी यहाँ पर जब भी मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हेड से कुछ ऑयल लीकेज है, तो शायद मुझे अभी बाइक छोड़ना पड़ेगा। और कल तो अपना राइड स्टार्ट है, अगर कल नहीं मिला तो फिर देखो यही है, इसीलिए तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो अच्छा हुआ कि हमने राइड से पहले ही अपनी बाइक को चेकअप करा लिया, क्योंकि अगर राइड में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, और पहले कुछ होगा तो आप एक दो दिन आगे पीछे कर सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन बाइक परफेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए अभी देखो लीकेज है, उसको तो फिर से खोलना पड़ेगा शायद इंजन को, और फिर से असेंबल करेंगे तो शायद प्रॉब्लम ना हो।
तो थैंक गॉड जो इंजन का लीक था वो कोई बोल्ट जो है ढीला हो गया था, लूज हुआ था, उसके वजह से हो रहा था। तो हेड खोलने की, इंजन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको टाइट कर दिया उन लोगों ने। नहीं तो मैं तो डर गया था सच में कि कहीं बाइक को अगर यहाँ छोड़ना पड़ेगा तो राइड कैसे कंप्लीट करूँगा, मतलब लेट हो जाता अपने को निकलने में, बट चलो कोई बात नहीं। और मैंने क्लच में भी थोड़ा चेंज कराया है, हाफ क्लच करा दिया है और कूलेंट फिल करा लिया और चैन ल्यूबिंग, चैन क्लीनिंग और वो बोल्ट लगवा लिया जो मैंने निकलवाया था। तो अभी जस्ट मुझे मिले हमारे एक सब्सक्राइबर यहाँ पे, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल निखिल और इनके पास है RC 390 सॉरी, और इन्होंने पावर पार्ट्स लगा के रखे, बहुत खूबसूरत है, मैंने स्टोरी भी डाल दिया इंस्टाग्राम पे। और मुझे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत खूबसूरत दिख रही है। तो कुछ कहना है आपको? कहना चाहूँगा कि NB Vlogs को रेगुलरली देखिए, बिकॉज द कंटेंट दैट ही पुट्स ऑन यूट्यूब, इट्स लाइक आपको मज़ा आएगा और आप कनेक्ट हो गए वो कंटेंट से। काफ़ी सारे लाइक मोटो ब्लॉगर्स है मुंबई करने के लिए, एवरी वन इज गुड, बट आई पर्सनली कनेक्ट विद हिम बिकॉज वी फील लाइक ही इज़ वन ऑफ अस। थैंक यू सो मच। इसको ज़रूर देखिएगा एंड श्योरली सब्सक्राइब टू NB Vlogs। थैंक यू सो मच। और हमने काफ़ी देर से यहाँ बातें की, फिर मैं सोचा ब्लॉग में ले लेते हैं क्योंकि बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मिलकर इनसे, और ऐसे ही बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे होते हैं यहाँ पे। मैं सभी सेंटर जब भी आता हूँ तो हमारे बहुत सारे, मैं हमेशा आपके ब्लॉग देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार ये दिखती नहीं, मैं भी आता हूँ सर्विस सेंटर। चलो आज फाइनली मिल गए और कल हम राइड स्टार्ट करने वाले हैं, उसका भी हमने बात किया। तो ये भी राइड वाइड करते रहते हैं, अभी महाबलेश्वर गए थे और लोनावला, तो लोनावला भी गए थे, कनेक्ट हो रहा अभी देखते हैं। हां सही है ना, मजा आता है, मजा। मैंने पहले शॉर्ट राइड, मैंने आपसे पूछा कि आप लॉन्ग राइड कैसे कर रहे हो क्या, क्योंकि मैंने भी पहले यहां पे शॉर्ट राइड ही ट्राई किया लोनावला। सेम सेम, मैं अभी शिरडी का प्लान कर रहा हूं, लेकिन कैसा है कि वो आपसे मैंने क्यों पूछा लॉन्ग राइड, कि आप जाके आए हो तो एक थोड़ा वो कनेक्ट होता है, और बाइक अपनी दोनों की 200 cc का फर्क है, लेकिन वो है कि हां ये KTM पे जाके तो इनको मालूम रहेगा। सही, तो चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच। को टेस्ट राइड किया और ये देखो बाइक जा रही है अपने धुलने के लिए, प्लस चाहे यहीं पर धुला भी लेता हूँ, फिर पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कल निकलना भी है अपने को। तो फाइनली अपनी बाइक वॉश हो गई और काफ़ी खूबसूरत दिखने लगी, तो हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से, क्योंकि अपना सारा काम हो गया और मुझे बहुत ही तगड़ी भूख लगी हुई है, सच में बता नहीं सकता मैं। 2 hours later. 2 घंटे बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं गया हुआ था मॉल, कुछ मेरे को भूख लगा था तो मैंने KFC खाया उधर। सैटरडे और संडे मॉल में आना मतलब जान जोखिम में डालना, इधर ही क्राउड रहते कि बैठने का भी जगह नहीं मिलता, बट क्या करें, अपना शेड्यूल ही ऐसा है कि अपने को आना पड़ेगा। और फिर मैं आया, कुछ मैंने खरीदा जो कि मेरा मन नहीं किया उसको ब्लॉग करने के लिए, इसलिए नहीं किया। तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि मैं थक गया यार, कब से घूम रहा हूँ, कब से मैं वहाँ पे था। तो चलो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी रेस्ट भी करना है, रात भर रेस्ट करेंगे, कल दिन भर रेस्ट करेंगे, फिर कल रात में अपने को निकलना है यहाँ से इंशाल्लाह। तो बस आप लोग के लिए, आप लोग के बेस्ट विशेस ये मुझे कि अपनी राइड अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो और आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हो बाइक्स के बारे में और कैसे प्रिपरेशन करें अपने बाइक्स की लॉन्ग राइड के लिए। तो बस मेरा मेन मोटिव यही था बनाने के लिए, ताकि आप लोग को पता चले कि लॉन्ग राइड के पहले अपने बाइक को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे पंगे हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, अगर एंजॉय किया हो मेरे भाई तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इस ट्रिप का जितना भी स्टोरीज आने वाला है सब इंस्टाग्राम पे आने वाला है, तो भूलना नहीं, जाके फॉलो कर लो। चलो गाइस, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। हमको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, चलो सिर्फ हमको वॉशिंग का देना रहेगा, ठीक है। तो अभी हमको करानी है अपनी बाइक वॉश, इधर आ गई है हमारी मोहतरमा। अगर